हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमएम बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं और नीट 2021 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। अभी कुछ टाइम पहले जो लाइव में आपसे कनेक्ट हुआ था उसमें टेक्निकल एरर था, इसलिए फिर से हमें शुरू करना पड़ा। आपको असुविधा हुई, इस असुविधा के लिए हम खेद चाहते हैं। देखिए, 2021 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, शुरू से लेकर अब तक हमारी पूरी नज़र उस पर बनी हुई है। हर एक इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके लिए अपडेट किया है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए तब से लेकर उसके बाद, उससे भी पहले आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में बताया था, उसके बाद लगातार हम बताते आए हैं। नीट के बारे में लास्ट अपडेट मैंने आपको कहा था कि जो अभी आपको ईमेल आईडी आपसे मांगा गया है, ईमेल आईडी जो आपसे लिया गया है वो एक बार आप देख लें। सेकंड फेज के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम भी आपको उसको करेक्टली देखना था, लेकिन उसके बाद एक और मौका आपको दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज का बड़ा अपडेट ये है, नीट 2021 की जो आंसर की है वो आंसर की रिलीज कर दी गई है, साथ में जो स्कैंड ओएमआर सीट है उसका जो इमेज है वो भी आपके लिए स्टूडेंट्स डिस्प्ले कर दिया गया है। और ये जो इमेज आपके लिए यहाँ डिस्प्ले की गई है ये, और इसके अलावा जो आंसर की आपको यहाँ वेबसाइट पे अपडेट करके दी गई है, ये दोनों ही जो ईमेल आईडी आपने अपडेट किया था स्टूडेंट्स, उस ईमेल आईडी पर परफेक्टली आपको वो भेजी जा चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन को, किसी आंसर को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको चैलेंज करने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, वह पूरा प्रोसीजर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, 15 अक्टूबर 2021 को नीट ने अपनी आंसर की और ओमार सीट जो है, जो आपकी ओमार सीट थी वो अपलोड कर दी है और साथ में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें लिखा है चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और द डिस्प्ले इमेज ऑफ द ओमार सीट। तो ये आपको किया गया है, ठीक है। ये जैसा मैंने अभी कहा एनटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उसको एक बार देख लें। आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको वो भेज दिया गया है। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें किसी आंसर को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फी रखी गई है। जैसे आप जो आंसर करके आए आपको लगता है वो सही है और एनटीए कोई दूसरा आंसर दे रहा है, तो आपको उसको चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी। और अगर आपका जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स और ओमआर सीट पर किसी टाइप की दिक्कत है, कोई गफलत आपको लग रही है, तो इस केस में आपको 200 रुपये पर ऑब्जेक्शन आपको पे करने पड़ेंगे। तो आंसर की अपडेट के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करें, मैंने इसका ब्रीफ किया है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम टाइम में आपको ये सारी जानकारियां दे दूं। आंसर की अपडेट के लिए आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पर जाकर आप वहां क्लिक करें, क्लिक अप्लाई फॉर द आंसर की, और आंसर की के लिए अप्लाई आप करेंगे तो वो बुकलेट कोड जो है स्टूडेंट्स वो आपसे मांगेगा। बुकलेट कोड आपको वहां देना है। बुकलेट कोड भरने के बाद आपको अब लॉग इन करना है इसको, और ये जो लॉगिन आईडी है वो आपकी एप्लीकेशन आईडी और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है उससे वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट सिक्योरिटी कोड जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। अब उस सिक्योरिटी कोड को आप एंटर करने के बाद परफेक्टली अपने जो है वो प्रोफाइल को खोल पाएंगे। अब अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे क्वेश्चन जो दिया गया है तो एनटीए ने उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एनटीए की आंसर की के अकॉर्डिंग है वो वहां मेंशन किया है, वहां लिखा है, तो वहां वो जो दिया गया है उसके ठीक आगे कुछ बॉक्सेज आपको बने हुए दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो सही है और एनटीए का आंसर गलत है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो जो बॉक्स है उसमें आपको स्टूडेंट्स टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको चूज फाइल के एक ऑप्शन पे जाना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वहां जो रिक्वायर्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके क्वेश्चन को लेकर हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आपको वहां सिंगल पीडीएफ में अपलोड करने हैं। आप ध्यान रखें, सिंगल पीडीएफ में ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव योर क्लेम, तो आप अपने क्लेम को सेव करने के लिए ओके करेंगे तो स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी और जो आपने क्लेम किया है वो पूरा स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपको सेव योर क्लेम एंड पे फाइनली ऑप्शन पे क्लिक करना है, अर्थात आपको फाइनली पे करना है। तो इस केस में आप क्या करें, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं इसको समझिए। देखिए, आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करके ऐसा कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी ऐसा कर सकते हैं और आप पेटीएम के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर की को चैलेंज करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपीज स्टूडेंट्स पे करने होंगे। तो एक बहुत सिंपल सा ये मेथड है।
बहुत क्लियरली और कीनली ऑब्जर्व कर लें, और उसके ठीक बाद अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और एनटीए गलत आंसर दे रहा है तो आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए। स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चैलेंज करने का टाइम आज ही 15 अक्टूबर से रखा गया है और ये 17 अक्टूबर तक है, 17th ऑफ अक्टूबर तक ये टाइम रखा गया है, और इसमें 17th ऑफ अक्टूबर को रात 9 बजे आपका ये जो चैलेंज है वो रात 9 बजे तक एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसके बाद ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप चैलेंज करते हैं तो उसका फी डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो एट द टाइम 9:10 o'clock आपको दे रखा है, उसके बाद से आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी फीस भी जमा नहीं होगी। इसी तरीके से एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको ओएमआर सीट को चैलेंज करना है, या जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आपका, अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ओएमआर चैलेंज, ओएमआर चैलेंज को सेलेक्ट करें, और उसके बाद में जैसे ही वो जो ऑप्शन सामने आपके खुलते हैं उस पर ओएमआर सीट का जो चैलेंज है उसको क्लिक करें। वहाँ जो बॉक्सेज आपके सामने बने हुए आते हैं या जो मेंशन्ड होती हैं जो इन्फॉर्मेशंस, उन इन्फॉर्मेशंस को देखें, और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपने जो लिखा था, आपने जो किया था वो जो है वो सही नहीं है, और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मुझे चैलेंज करना चाहिए, किसी भी तरीके का जो रोल नंबर फिलिंग इशू आपका है या कहीं सर्कल आपने डार्क किया था उसको लेके कहीं भी इशू है, तो किसी भी टाइप का इशू स्टूडेंट्स अगर है तो आप उसके लिए पर इशू 2000 rupees पे करेंगे। पेमेंट का जो मोड है वो सिमिलर रहेगा, आपको उसी तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू और आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आपको जो है वो पेटीएम के थ्रू ये सब पे करने की सुविधा और फैसिलिटी दी गई है। तो आप मान के चलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहुत कम टाइम में नीट का रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा, क्योंकि आपको आज ओएमआर सीट डिस्प्ले करके दे दी गई है, आपको मेल आईडी पर पहले से भेज दी गई थी, प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने अपलोड कर दी है और आपको पहुंचा दी है। अब इसके बाद एनटीए को सिर्फ एक काम करना है, 2 दिन में आपसे ऑब्जेक्शन लेके उन ऑब्जेक्शंस को एक बार सर्च करना है, उन ऑब्जेक्शंस को एक बार देखना है, डिटेक्ट करना है, अगर उसमें कहीं कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वो आपको आंसर की में सेपरेटली पता लगे, ये जरूरी नहीं है, वो सीधा रिजल्ट के टाइम ही आपको पता लगेगी आपका सही माना गया था या नहीं माना गया था। तो जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छा किया होगा, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके रिजल्ट के इंतजार में हम भी हैं, मेरी भी बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो परफॉर्म करके आए हैं। आप हिंदुस्तान में अच्छी रैंक्स को अचीव करें, आप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस को अचीव करें। मैं फिर आपको दोहरा दूं, एनटीए नीट 2021 को लेकर सारे अपडेट्स हम लगातार देते आए हैं। मैं एक विशेष वीडियो कल इस एनटीए नीट पे बनाने जा रहा हूं जो 2022 की संभावनाओं को लेकर है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो अब इस बार फाइट नहीं कर पाए और आगे एग्जाम देंगे वो मेडिकल एस्पिरेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स उससे जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य कई स्रोत हैं उनके माध्यम से भी मुझे प्राप्त हुए हैं, तो इस तरीके से आपको ये सब जानकारियां मिलती रहेंगी। रिजल्ट अपडेट जैसे आता है वैसे भी मिलेगा, और उसके बाद में काउंसलिंग आप कैसे करें उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, कम टाइम ड्यूरेशन की वीडियो में आपको गाइड कर पाऊं, हिंदुस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस क्या हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में आपको अप्रोच करना चाहिए, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे और इसी चैनल पर मिलेंगे। आप मुखातिब हो रहे हैं अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं आपके साथ हूँ MM बलडोदिया। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अपने पेरेंट्स और अपने जो बाकी के स्टूडेंट्स, आपके जो कलीग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हमारी है। तो इसी के साथ आज जो आंसर की अपलोड हुई है उसको एक बार आप देख लें, अगर किसी तरीके का डाउट आपको लगता है, ऑब्जेक्शन लगता है, तो ऑब्जेक्शन फाइल करें, बहुत कम टाइम है। आज ही की डेट में आपको सारे अपने ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुटा लेने चाहिए, किसी तरीके के एविडेंसेज आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जुटा लें और जल्द ही उसको आप अपलोड करें। गुड लक, बेस्ट।